भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आज बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, उससे पहले कुछ और भी बातें हैं जिन पर आप सबसे थोड़ी चर्चा कर लेती हैं। जैसा कि बहनों आप सबको पता होना चाहिए, एनपीएस रद्द करने की कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है। यहां पर केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 राज्यों में इस पर जो है थोड़ा बहुत बयानबाजी किया था, जिसके चलते अब केंद्र सरकार ने इस पर सफाई दे दी है। आइए देखते हैं क्या होता है एनपीएस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखा है 2 कांग्रेसी राज्यों ने नई पेंशन योजना, जिसको एनपीएस बोल रहे हैं, उसको रद्द कर उनकी जगह पर पूर्व की जो पेंशन योजना है उसको लागू करने का ऐलान। राजनीतिक सरगर्मी अब पकड़ रहा है। आपको बता दें कि जहां पर जो है 2 राज्यों में कौन सी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा है कि जो पुरानी पेंशन है हम उसको बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन से तात्पर्य यह है कि जो लोगों को पहले जो रिटायरमेंट पर पेंशन स्वरूप पैसा मिलता था, वो पेंशन उनको राज्य सरकार कह सकते हैं, यानी सरकार के ऊपर जो है निर्भर करती है और उनका दायित्व तो बनता है और वो देंगे। लेकिन अब जो इस टाइम पर जो चल रही है आपकी नई पेंशन योजना, जिसमें क्या होता है आंगनबाड़ी बहनों, आपको पता होगा कि जो भी आप कमा रही वो आपका मंथली जो पैसा आता है उसी में से काट करके थोड़ा आपको जो है विभाग बुढ़ापे में देता है और उसको पेंशन वो बोल देते हैं। वो आप ही का अंश होता है और वो आपके ही पैसों से पूरा बनता है, आपका रिटायरमेंट के बाद का पेंशन। तो कुछ इस तरीके का जो अब प्रोसेस चल रहा है नई पेंशन योजना, जिसका एक जीता जाता उदाहरण आप प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना से ले सकते हो, जिसमें बहनों आप सबके खातों से ज्यादातर कुछ ना कुछ पैसे कटते हैं। जो बताया जा रहा है आपके रिटायरमेंट पर 3,000 रुपए आपको मासिक पेंशन दिया जाएगा। सेम वैसे ही आप यहां पर इसको समझ सकती हो एनपीएस वाले मुद्दे को। एनपीएस आपका ये है। इसमें देखो लिखा गया है, सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री ने इस बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उसके पास एनपीएस समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी 2022 को अपना सालाना बजट पेश करते हुए अगले वित्त वर्ष में एनपीएस को समाप्त करने के साथ ही पेंशन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस तरह की घोषणा कर दी। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार या फिर निकाय की होती है। तो लेकिन अब क्या है, जबकि जो नई पेंशन योजना है इसके तहत सरकारी जो कर्मचारी है इनके मासिक वेतन का एक हिस्सा ही उनका नियमित तरीके से निवेश किया जाता है और सेवानिवृत्ति के बाद में निवेश से आए रिटर्न के आधार पर उनको पेंशन तय कर दी जाती है। नई व्यवस्था वर्ष 2004 से भाइयों बहनों ये लागू है और जिसका एक जीता जाता उदाहरण आंगनबाड़ी बहनों अगर आप सब अपने ऊपर देखें तो प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना से आप ले सकती हैं। इस ये नई पेंशन योजना के तहत ही है, जिसमें आपकी सैलरी से कुछ पैसे अभी काटे जाते हैं, बाद में आपको बुढ़ापे में कह रहे 3,000 दिए जाएंगे। इसको आप अब समझ चुकी होंगी। कांग्रेस सरकार जो देश से पूरी तरीके से जाने वाली है, क्योंकि 2 राज्यों में केवल सिमट करके रह गई है और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत में अब फैल रही है और क्या फैल चुकी है, तो आप सोचो 2 राज्यों में सिकुड़ चुकी जो पार्टी अब वो कहती है कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक लेने का ही तो एक प्रोसेस है। ये एक कड़वा सत्य है जिसको कोई माने या ना माने। हां, उनका ये कहना, इनका ये मुद्दा कर्मचारियों के हितों को अगर देखा जाए तो बढ़िया है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना अगर लागू होती है तो आप सब जैसे कोई भी कर्मचारी, उनको सरकार जो भी पेंशन देगी वो अपने पास से देगी, ना कि आपके ही वेतन से पैसे काट काट करके आपको दे दिए जाए। खैर, जो भी है, हम लोगों को तो वैसे भी कर्मचारी की श्रेणी से बाहर सरकारें रखती है, विभाग रखता है, तो फिर हम लोगों को पेंशन का प्रावधान तो पहले से ही नहीं था। अब तो जो योगी मानधन योजना टाइप की आई है वो एक अलग मैटर है। बात करते हैं अगली खबर पर, आते बहुत सारे आदेश इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ आपको दिखाते हैं जिन पर चर्चा आप पहले कर चुकी हो। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा के 16 मार्च को उनका एक लेटर जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का है, जिसके तहत उन्होंने अपने वहां आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या परियोजना वाइज जो है
अलग अलग यहां पर देकर के भेजी है, और 21 से लेकर के 24 मार्च तक जो है क्या किया जाएगा वो कार्य है, और फिर 24 से लेकर के 27 के बीच में क्या कार्य किया जाएगा वो भी है, और 28 को रिपोर्टिंग का कार्य होगा। तो जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम इसमें है क्या, जो भी आपके बच्चे हैं 0 से 5 या 6 वर्ष के, इनका सबका क्या करना है, आपको वजन लेना है, इनकी ऊंचाई जो है लंबाई ये नापनी है, और ये कार्य है। बहनों अगर आप गौर करें तो 20 तारीख को पल्स पोलियो अभियान है, और आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको हेल्प हो जाएगी। 20 तारीख को पल्स पोलियो अभियान है और 21 से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम मना रहे हैं जिसमें आपको वजन लंबाई ऊंचाई बच्चों का लेना है, तो क्यों ना 20 तारीख को पल्स पोलियो अभियान के दिन जब बच्चे पोलियो पीने के लिए आएंगे तो आप उनका उसी टाइम पर वजन ऊंचाई लंबाई ले लो, ये मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, आपको दौड़ भाग भी जो है आपकी बचेगी। ऐसा काफी परियोजनाओं में बहनों को विभाग द्वारा ही बोला जा रहा कि आप ऐसा करें और बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो कोई छूटे ना, ये यहां पे होता है, काम भी हो जाए दौड़ भाग भी ना हो, तो वो काम एक स्मार्ट वर्क माना जाता है। खैर जो भी है आप अपना सोचें और विभाग द्वारा तय करें, लेकिन हमारा ये मानना है कि 20 तारीख को पल्स पोलियो अभियान के दिन बच्चे आएंगे, और उन बच्चों को अगर वहीं पर ऊंचाई लंबाई वजन सब उनका ले लिया जाए तो आने वाले वक्त में शायद दौड़ना भागना ना पड़े। अब इसमें लिखा है समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका वजन ऊंचाई लंबाई माप जो है किया जाएगा, पोषण ट्रैकर ऐप पर उसकी डाटा की फीडिंग भी की जाएगी, साथ ही साथ छूटे हुए जो बच्चे हैं उनको 24 से लेकर के 27 के बीच में फिर होगा, उनके घर घर जाकर के आंगनबाड़ी बहनें वजन लंबाई ऊंचाई वो सब लेंगे, और डाटा जो भी होगा उनका उसको पोषण ट्रैकर पर फीड करेंगी। ये डीपीओ आगरा के उनके द्वारा लेटर जारी था और हमारे पास इस लेटर को भेजा था शशि शर्मा बहन ने। इनके अलावा एक और लेटर शशि शर्मा बहन ने भेजा है, और ये जैतपुर कला आगरा से भी निकला है 16 तारीख को, और वहां पर भी सेम वही चीजें हैं, इसी वाले कार्यक्रम से रिलेटेड है। तो आगे चलते भाइयों बहनों, इसमें देखिएगा यहाँ पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम से ही जुड़ा हुआ, 0 से 6 वर्ष के बच्चे उनका हेल्थ जो है हेल्दी चाइल्ड को लेकर के उनको सेलिब्रेट किया जाएगा, तो यहां पर जो भी बच्चा स्वस्थ होगा उसको लेकर के। अब बात करते हैं आगे, नीलम बहन आती है अंबेडकर नगर से, और अंबेडकर नगर में 14 मार्च को वहां पर जिलाधिकारी का एक लेटर भी इसी संबंध में निकला है, और जिलाधिकारी यानी डीएम ने यहां पर कुछ निर्देश दिए हैं। बहनों आइए यहां पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, 21 तारीख को क्या करना है, 21 को समस्त आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवन और आपके एएनएम के उपकेंद्र इन पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन लिया जाएगा और सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा यानी उनकी स्थितियां कैसी हैं। उसके बाद में 22 तारीख को क्या होगा, गृह भेंट होगी यानी घर जाकर के समुदाय स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा स्वस्थ और पोषण विषय में अभिभावकों को जागरूक भी किया जाएगा और गृह भेंट होगी अभिभावकों के साथ में। 23 तारीख को क्या है, स्वस्थ बच्चों की पहचान होगी आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवन स्वास्थ्य उपकेंद्र इनमें विजयसंडी सत्रों पर स्वस्थ बच्चों हेतु स्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा वाला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, किसका बच्चा ज्यादा जो है बढ़िया है। 24 तारीख को अभियान के तौर पर वजन दिवस सैम मैम 100% जो चिन्हांकन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ये सब वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मुझे लगता है सारी चीजें बहनों आपको बताई जा चुकी हैं। 25 को यहां पर वजन दिवस है और इसके बारे में यहां पर लेकर के बहनों आया है। अब इनकी अगर हम माने तो ऐसे ही 26 को ऐसे ही 27 को ऐसे कुछ काम यहां पर बांट दिए गए हैं। खैर अभी बहनों आपका मेन जो लेटर है वो अब आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। हम बात करने जा रहे हैं आज दुर्गा शंकर मिश्र जो आपके मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने एक ये सरकारी आदेश 14 मार्च को जारी कर दिया है बहनों, और इस लेटर के बारे में हम सब आज विस्तार से जानेंगे। इसमें इस लेटर को देखो एक दो विभाग को नहीं, इतने विभागों को भेजा गया है, आप यहां पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपर मुख्य सचिव को, प्रमुख मुख्य सचिव को, इन देखो पहले तो सचिव वचिव जो है उन सबको भेजा गया, फिर बात करते विभागों की, तो यहां पर नगर विकास, पंचायती राज, बाल विकास विभाग और ग्राम्य विकास, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं मनोरंजन विभाग, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों को और समस्त मंडलायुक्तों को, समस्त जिलाधिकारियों को, समस्त जो है अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को सबको भेजा गया है। और इस लेटर की बहुत ही ज्यादा जो है आप लोगों को ध्यानपूर्वक जो है बातें सुननी चाहिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है, माह अप्रैल, कौन सा अप्रैल, अभी मार्च चल रहा है यानी इस महीने के बाद में अगले महीने आपको क्या काम करने हैं उसका ये सरकारी आदेश है। तो प्लीज एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, अगले महीने में क्या क्या होगा, कैसे होगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी।
जाएगी। देखिए माह जो अप्रैल है अगला महीना, उसमें प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान, ये दोनों आपके होने वाले हैं। और संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों के कार्य और दायित्वों का निर्धारण हो चुका है, किसको क्या करना है वो सब लिखा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ऐसे कार्यक्रम पहले भी मनाए जा चुके हैं, जिनमें पिछला रिकॉर्ड क्या रहा उस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं, फिर आपको और बताते हैं। लिखा है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित एवं सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2021 में मार्च जुलाई और आपका अक्टूबर, इनमें विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियानों का आयोजन सभी जनपदों में हो चुका है। वर्ष 2020 और 21 में संपन्न दस्तक अभियान में संचारी रोगों के साथ ही कोविड-19 महामारी से बचाव और इस रोग के लक्षणों के विषय में जानकारी भी फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा घर घर पहुंचाई गई थी। यानी फ्रंटलाइन से तात्पर्य है आप सब बहने, आंगनबाड़ी, आशा, ये सब बहने, एएनएम बहने जो भी उनमें शामिल थी। अब विगत चार वर्षों की भांति वर्ष 2022 में भी संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय अपनाते हुए व्यापक अभियान चलाया जाना है। इस क्रम में वर्ष 2022 में संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा, कब से, जो आपका संचारी रोग नियंत्रण अभियान है वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, और जो दस्तक अभियान का प्रथम चरण है वो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, तो प्रदेश के समस्त सभी 75 जनपदों में यूपी में ये मनाया जाएगा। तो बहनों यहां पर ध्यान देना, तो बताया जा रहा कि गतिविधियां पुनः विस्तृत कार्ययोजना बना करके संचालित की जाएंगी। माह अक्टूबर 2021 के अभियान की भांति ही इस माह अप्रैल में भी संचालित किए जाने वाले दस्तक अभियान में आशा बहने और आंगनबाड़ी बहने प्रत्येक मकान पर क्षय रोग के संभावित रोगियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेगी तथा क्षय रोग के लक्षणों वाले किसी व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, सारी चीजें संपूर्ण विवरण एक लाइन लिस्टिंग फॉर्मेट में अंकित करके क्षेत्रीय एएनएम के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध कराएगी। तो ये आपके काम है। आगे लिखा है इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिष्ठान के अधीनस्थ मलेरिया विभाग के कार्यकर्ता क्षेत्रवार योजना बनाते हुए विगत वर्ष के मच्छर जनित रोगों के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित किए गए हाई रिस्क क्षेत्रों में वेक्टर घनत्व का आकलन भी करेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर, आंगनबाड़ी और आशा निम्नलिखित सूचियां अपनी रिपोर्ट के साथ प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर क्षेत्रीय एएनएम के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराएंगे। मलेरिया विभाग के कार्मिकों द्वारा किए गए वेक्टर घनत्व आकलन और फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा घर घर भ्रमण के दौरान पाए गए ऐसे क्षेत्रों की सूचना जहां घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन सूचित जो है यहां पर हुआ हो, उसके आधार पर जिला मलेरिया अधिकारी उनके द्वारा वेक्टर घनत्व के विभिन्न सूचकांकों यथा हाउस इंडेक्स, यहां पर ब्रेटियू इंडेक्स, ऐसे तमाम यहां पर जो लिखे हुए हैं इन सब का जो है आकलन किया जाएगा। और यहां पर इसके बारे में लिखा है, और मच्छरों का सामान्य से अधिक प्रजनन सूचित हुआ हो तो ऐसे क्षेत्रों की सूची भी बनाई जाएगी और ताकि उनको कम किया जाए। तो बाकी आप फॉगिंग वाला काम भी चलेगा, ये सब चीजें तो है। खैर आगे बात करते और भी चीजें क्या है, ध्यान देना। माह अप्रैल 2022 के संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 21 मार्च से ब्लॉक स्तर पर संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान टास्क फोर्स का बैठक होगा। अभी हम डेटों की बात कर लेते हैं जो बहनों आप सबको थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। ये देखो सभी जिलों के लिए गतिविधियां की समय सारणी आ गई है, यूपी की सभी बहनों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहां पर अगर हम बात करें 21 और 22 मार्च की, तो राज्य और जनपद और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, यानी जो भी प्रशिक्षक होंगे उन्हीं का प्रशिक्षण होगा ब्लॉक, राज्य और जिला स्तर पर 21 और 22 मार्च में। साथ ही बात करें अगर 21 मार्च की, तो ब्लॉक स्तरीय अंतर विभागीय बैठकें भी होंगी और 24 मार्च को प्रथम जनपद स्तरीय अंतर विभागीय बैठक कराई जाएगी। साथ ही बात करें 26 से 28 मार्च की, तो ब्लॉक वार योजना बनाते हुए ये सब होगा और यहां पर ब्लॉक स्तर
पर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण होगा। साथ ही बात करें हम अगर 25 मार्च की, तो यहां पर समस्त नगर निगम वाले इनको स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण बैठकें होंगी, 26 को भी नगर पालिका वालों की और 28 को समस्त नगर पंचायत की। साथ ही साथ ब्लॉक वार योजना बनाते हुए 25 से 27 के बीच में जो होगा ब्लॉक स्तरीय ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी का संवेदीकरण होगा। फिर 28 मार्च को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए ब्लॉक और जनपद स्तरीय माइक्रो प्लान की उपलब्धता होगी, और फिर 30 मार्च को जो है द्वितीय जनपद स्तरीय अंतरभागी बैठकें होंगी, और फिर 10 अप्रैल को दस्तक अभियान के लिए ब्लॉक स्तरीय माइक्रो प्लान की उपलब्धता होगी। माह मार्च के माइक्रो प्लान के आधार पर यह की जाएगी। फिर बात करते हैं आगे, आगे लिखा हुआ है कि ब्लॉक वार योजना बनाते हुए 8 से 10 अप्रैल के बीच में यह क्या होगा, दस्तक अभियान के संचालन के लिए ब्लॉक चिकित्सालय पर आशा एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनका संवेदीकरण होगा 10 अप्रैल को, तो आपको तब प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं, जैसे सभी विभागों के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर कार्ययोजना जो जमा कराना है वो सोमवार 28 मार्च को होगा। साथ ही स्वस्थ जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित जो है अंतर्भागी कार्ययोजना यूनिसेफ और WHO और आपका NPS जो NPSP और साथ ही जो है तथा पाथ को उपलब्ध कराना ये 29 मार्च को होगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का प्रारंभ जो है 2 आपका अप्रैल को होगा, और दस्तक अभियान का जो प्रारंभ है वो 15 अप्रैल को होगा। तो यहां पर ध्यान देना, जो आपका संचारी रोग नियंत्रण अभियान है वो 2 अप्रैल को है स्टार्ट हो रहा है, और जो दस्तक अभियान है वो 15 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। शनिवार तक की गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट का राज्य मुख्यालय पर प्रेषण होगा, प्रत्येक सोमवार को होगा। समीक्षा बैठक में पाई गई जो कमियां हैं उन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ होगा। अभियान की संपूर्ण माह की रिपोर्ट का राज्य मुख्यालय पर प्रेषण 5 मई को होगा। और बात करें अगर नीचे, तो यहां पर और भी चीजें दी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की क्या भूमिका है वो यहां पर दर्शाई गई है, लेकिन बहनों हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम आपने पहले मनाए हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी है। आप देखिएगा नगर विकास विभाग की भी जानकारी दी है, उनके क्या दायित्व है वो दिए हैं, और पंचायती राज ग्राम्य विकास विभाग के दिए हैं जिनमें आप ये सब देख सकते हो। तो यहां पर आप अगर ध्यान दें, हर किसी की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, तमाम विभागों की जिम्मेदारी, केवल आंगनबाड़ी बहनों आपकी नहीं है। तो कुछ काम जो है जो आपके हैं उनको ही आपको करने हैं। बाकी देखिए पशुपालन विभाग की भी जिम्मेदारी है, और साथ ही और देखते हैं कौन विभाग है, बाल विकास विभाग पुष्टाहार विभाग की भी जिम्मेदारी, यानी आपके विभाग की। तो आपके विभाग की क्या जिम्मेदारी वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना संवेदीकरण किया जाए, ये सब चीजें हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता इसको बताने की बहनों आवश्यकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की सूची बनाकर उसको उचित पोषाहार उपलब्ध कराना है, और आवश्यकता होने पर पोषण पुनर्वास केंद्र पर उपचार और पोषण पुनर्वास हेतु भेजना भी है। इसके बारे में जानकारियां ये सब लिखी है, और बाकी जो दस्तक अभियान है जो भी जो ये चीजें हैं वो स्थानीय आपकी ANM है आशा है इनका जो है आप लोगों को सहयोग करना है। तो यहां पर जो भी और शिक्षा विभाग का भी देखो काम है, तो यहां पर टीचर लोग हैं उनका भी यहां पे काम है, और बाकी ये चिकित्सा शिक्षा विभाग का भी काम है, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का है, कृषि सिंचाई विभाग का है, सूचना विभाग का है, उद्यान विभाग का है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। अब यहां पर देखिएगा दस्तक अभियान को लेकर के और भी है। दस्तक का अर्थ होता है कि दरवाजा खटखटाना, यानी आपके घर पर देखो दस्तक दी हमने, यानी देखो घर पर कौन आया, मेहमानों ने दस्तक दी, तो दस्तक देना मतलब दरवाजा खटखटाना। अब देखिए दस्तक अभियान में आशा की भूमिका बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है। सारी जिम्मेदारी आप समझ लीजिएगा मेन तौर पर एक रीढ़ की जो हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की आशा बहनें उनके कंधों पर है। अब आंगनबाड़ी बहनों जो आप सब हो, आप सबको आशा बहनों का सहयोग करना है, नीचे लिखा भी है। इन समस्त कार्यों के लिए आशा अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग प्राप्त करेगी, तो आशा बहनों का सहयोग आंगनबाड़ी बहनें इन कामों में करेंगी, मेन काम आशा बहनों को ही करने हैं। खैर आगे उत्तरदायित्व के बारे में खंड विकास अधिकारी की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, सबकी अलग अलग भूमिका लिखी है, किसकी क्या है वो दर्शा दी गई है। तो कुछ इस तरीके से ये एक बढ़िया सा लेटर जारी होकर के आया है, विस्तृत कार्य योजना है अब आने वाले अप्रैल महीने के लिए। अब बाकी आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे, आज का वीडियो भाइयों बहनों यहीं तक रखेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें सोमवती शर्मा बहन आती है कानपुर नगर से।